अगर आप इस साल की बीबीडी सेल में आईफोन 14 लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, यहाँ पर मैं बताऊंगा ये आईफोन जो है किस प्राइस में आने वाला है, जो बैंक के कार्ड में आपको ऑफर देखने को मिलेंगे और जो सेल होने वाली है कब से चालू होने वाली है, साथ ही जो है आपको इसको बाय करना चाहिए या फिर नहीं इसके बारे में भी बात करेंगे, कैसे आप जो है मैक्सिमम डिस्काउंट जो है इस आईफोन में पा सकते हैं उसके बारे में जो है इस वीडियो में बात करने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आप आईफोन 14 की, इसमें जो है आपको एप्पल के A15 बायोनिक चिप देखने को मिलती है। आईफोन 14 जो है 2022 में लॉन्च हुआ था, इसको जो है लगभग एक साल हो चुका है। आईफोन 14 के प्राइस की बात करें तो इस साल की बीबीडी सेल में आपको लगभग जो है 48,000 के करीब देखने को मिल जाएगा, क्योंकि पिछले साल की बीबीडी सेल में यानी 2022 में जो आईफोन 13 था ये जो है आपको सेम प्राइस में देखने को मिला था, तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल भी जो है आपको लगभग जो है 48,000 का जो है आईफोन 14 देखने को मिल जाएगा। अगर बैंक ऑफर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो है दो बैंक के क्रेडिट कार्ड में जो ऑफर देखने को मिलेगा, एक है एक्सिस बैंक, दूसरा है आईसीआईसीआई बैंक। अगर आपके पास नहीं है तो इनका जुगाड़ जो है जरूर से कर लेना, क्योंकि इन्हीं कार्ड में जो है आपको ऑफर देखने को मिलेंगे, जो मैक्सिमम डिस्काउंट होगा यहाँ पर लगभग जो है 1750 का हो सकता है। इस साल बीबीडी सेल जो है आपको जरा सी जो है देर में देखने को मिलेगी, क्योंकि इस साल जो है दशहरा जरा सी लेट है। इस साल जो बीबीडी सेल है आपको जो है 15 अक्टूबर के करीब देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं जो है आपको आईफोन 14 को जो है यहाँ पर परचेज करना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप जो है आईफोन 13 से जो है आईफोन 14 का जब कंपैरिजन करेंगे लुक वाइज जो है आपको कोई भी डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। अगर आईफोन 13 और 14 की प्राइस में लगभग 2-3 हजार रुपए का अंतर आपको देखने को मिलता है तो दोस्तों आपको जो है आईफोन 14 की तरफ जाना चाहिए। बाय चांस आईफोन 13 और 14 के बीच में जो है आपको 10,000 का जो है डिफरेंस देखने को मिलता है तो यहाँ पर जो है आपको आईफोन 13 को परचेज करना चाहिए। नो डाउट दोस्तों यहाँ पर जो है आईफोन 14 जो है अपग्रेड है, मगर यहाँ पर ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं मिलते हैं, यहाँ तक कि दोनों के जो है आपको चिपसेट भी जो है सेम देखने को मिलता है। बीबीडी सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट लेने के लिए जो है आपको जो है कुछ चीजों का ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो आपको फ्लिपकार्ट की जो है प्लस मेंबरशिप ले लेनी है अगर आपके पास नहीं है, जिनके पास है उनसे संपर्क कर लेना है। प्लस मेंबर के लिए एक दिन पहले सेल स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद जो है आपको तुरंत जैसी सेल चालू होती है आपको तुरंत जो है बाय कर लेना है। आपका इंटरनेट कनेक्शन है वो जो है अच्छा होना चाहिए, क्योंकि उस समय जो है बहुत लोग जो है आईफोन को परचेज करने की सोचते हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक जो है फ्लिपकार्ट में बहुत ज्यादा होता है। जो भी मॉडल जो है आपको परचेज करना है उसको जो है पहले से कार्ड में ऐड कर लेना और फटाफट सीवी डाल के जो है ऑर्डर प्लेस कर लेना। जितना लेट जो है आप यहाँ पर ऑर्डर प्लेस करने में लगाएंगे हो सकता है कि वहाँ पर जो है वो सोल्ड आउट हो जाए, और अगर बुक भी हो जाए तो हो सकता है बाद में फ्लिपकार्ट जो सेलर होते हैं वो जो है इसको जो है आपका ऑर्डर को जो है अपनी तरफ से कैंसिल कर दें। आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे आपको जो है कौन सा आईफोन बाय करना चाहिए, कौन सा करना है आप जो नीचे मुझे कॉमेंट में बता देना। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। तो दोस्तों से मुलाकात अगली वीडियो, तब तक के लिए बैठे के रहना ख्याल।